दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपके बीच में उपस्थित हैं इतिहास के चैप्टर नंबर 2 के सेकंड पार्ट पर। जैसा कि आपके बीच में इतिहास का चैप्टर नंबर 2 का पहला पार्ट जा चुका है, उम्मीद करते हैं कि आप सभी के द्वारा जो चीजें दी जा रही हैं वो आपको अच्छी खासी समझ में आ रही हैं। ठीक है, देखिए आपके बीच में मैंने सफल बैच लॉन्च किया है जिसकी कीमत अभी फिलहाल के लिए कल तक जो कीमत थी वो 220 रुपए थी, लेकिन उसकी प्राइस आप नया साल धमाका के रूप में परिवर्तन किया गया है। आप देख पा रहे हैं नया साल धमाका प्रथम सेमेस्टर नोट्स 220 रुपए की जगह मात्र 120 रुपए में। अभी तक उसकी प्राइस जो रखी गई थी वो 220 रुपए रखी गई थी, लेकिन अब उसकी कीमत जो है वो 120 रुपए कर दिया गया है। अगर आपको नोट्स का लाभ लेना है, इस 120 रुपए में लाइव क्लासें हैं, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासें हैं और सारे सब्जेक्ट के नोट्स हैं, मॉडल पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर है। अगर आपको नोट्स का लाभ लेना है या कहा जाए जो है इस कोर्स का लाभ लेना है तो बिल्कुल आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है वहां से ज्वाइन करिए, या तो आप दिए गए नंबर 94 52 33 10 53 पर आप संपर्क करिए। हर संभव आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन प्रदर्शन किया जा रहा है और आपको दिक्कत होगी तो आप नंबरों पर संपर्क कर लीजिएगा। देखिए यहां जो है सफल बैच का आगाज आज ही ज्वाइन करें मात्र 120 रुपए में। सफल बैच की कीमत मात्र 120 रुपए हो चुकी है, आप मौके का लाभ उठा सकते हैं और ये ऑफर सिर्फ आपके लिए 5 जनवरी तक वैलिड रहेगा। 5 जनवरी के बाद पुनः उसकी प्राइस 120 रुपए कर दी जाएगी। यहां देखिए चैप्टर नंबर 2 पार्ट नंबर 2, पहले पार्ट में आपने देखा पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति एवं विकास। ठीक है, हमने आपके बीच में जो चर्चा किया था जो है अगर हम बात करें पहले चैप्टर पर या कहा जाए पहले पार्ट पर, तो आपके बीच में हमने जो है नव पाषाण काल कहा जाए या पूर्व पाषाण सॉरी पूरा पाषाण या पूर्व पाषाण तक मैंने चर्चा किया था, लेकिन इस वीडियो से हम चर्चा करेंगे कि मध्य पाषाण काल क्या होता है। मध्य पाषाण के काल के बाद से जो भी चीजें हैं इस वीडियो में हम चर्चा करने चल रहे हैं। तो दोस्तों मैं फिर से कहना चाहूंगा कि आप इस मौके का लाभ उठाएं, ठीक है, और आप वीडियो को शेयर नहीं करते प्लीज वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आपके शेयर से थोड़ा सा मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और आप अपना फीडबैक मुझे अवश्य दें कि यहां से दिया जाने वाला हर एक कंटेंट मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप फीडबैक के माध्यम से मुझे अवगत जरूर कराएं। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, जहां से देख पा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत इस वीडियो से करने जा रहे हैं। शुरुआत का मतलब पहला पार्ट आपके बीच में जा चुका है चैप्टर नंबर 2 का और दूसरा पार्ट आपके बीच में प्रोवाइड किया जा रहा है। पहले पार्ट में हमने पूर्व पाषाण काल कहा जाए या नव पाषाण काल कहा जाए यहाँ तक की चीज़ें या पूरा पाषाण काल या पूर्व पाषाण काल तक हमने आपके बीच में बताया था। नव पाषाण काल अभी नहीं हुआ है, ठीक है, इस वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे। तो पूर्व पाषाण काल या पूरा पाषाण काल के बाद हमारा आता है जो है मध्य पाषाण काल। ये जो है जो पाषाण काल हम आपके बीच में प्रोवाइड कर रहे हैं, पाषाण काल का एक पहला टॉपिक आपके बीच में गया है पूरा पाषाण काल या पूर्व पाषाण काल। ये 3 भागों में डिवाइड किया गया पाषाण काल, ठीक है, जिसमें पहला था पूरा पाषाण काल और पूर्व पाषाण काल, दोनों एक ही नाम है। दूसरा है मध्य पाषाण काल, ठीक है। अब यहाँ मध्य पाषाण काल की जो विशेषताएं थी वो प्रमुख रूप से कही जा रही है। पहला आपका है निवास स्थान। देखिए मैं आप सभी से बताना चाहूँगा, अगर PDF की ज़रूरत आपको है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर विजिट करें, ठीक है, 220 रुपये का शुल्क आपको देना है, आप PDF को प्राप्त कर सकते हैं। और मैं बताना चाहूँगा आपके लिए जो है अगर आपको जो है नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं लिंक के माध्यम से तो आप संपर्क करेंगे 94 52 33 10 53 पर, ठीक है, आपके लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। चलिए यहाँ देखिए निवास स्थान के रूप में कहा जा रहा है कि मध्य पाषाण काल का मानव कंदराओं तथा छोटी छोटी पहाड़ियों पर रहता था,
ठीक है, जो जो मध्य पाषाण काल का मानव है वो कहाँ रहता था, कंदराओं तथा छोटी छोटी पहाड़ियों पर रहता था। जलवायु पहले की अपेक्षा गर्म हुई, फलस्वरूप जहाँ बर्फ पानी था वहाँ पिघल गई, पृथ्वी की उर्वरक शक्ति का विकास हुआ। कब उर्वरक शक्ति का विकास हुआ, जो है मध्य पाषाण काल में। ठीक है, आगे कहा जा रहा है फलस्वरूप जो है विकास हुआ, आगे कहा जा रहा है पृथ्वी पर उर्वरक शक्ति का विकास हुआ। जलवायु एवं वनस्पतियों के मैदान विकसित हुए, कब जलवायु एवं वनस्पतियों के मैदान कब विकसित हुए, जो है मध्य पाषाण काल में। आगे घास को जो है घास को खाने वाले छोटे छोटे जानवर जैसे हिरण हो गए, खरगोश हो गए, भेड़ बकरी आदि पैदा हो गए थे, कब जो है मध्य पाषाण काल में। हालांकि ये चीज़ें तो पहले से ही ये हुए थे, चूँकि शिकार नव पाषाण काल में इन्हीं का किया जा रहा था, लेकिन ये जो घास इत्यादि जो खाने की प्रथा थी हालांकि उस समय भी चल रही थी, लेकिन खासकर इनका जो निवास स्थान था मध्य पाषाण काल का, यहाँ आपने देखा। ठीक है, अच्छा, इसी समय यहाँ कहा जा रहा है मानव जानवरों का कच्चा मांस भी खाया करता था। हालांकि कच्चा मांस खाने की प्रथा जो है वो पूर्व पाषाण काल में ही लगभग लगभग समाप्त हो गई थी, क्योंकि उसी समय आग का आविष्कार हो गया था, और जब आग का आविष्कार हुआ तो उस समय से जो उस समय के मानव थे वो आम मांस को पकाकर खाने लगे थे। ठीक है, आगे कहा जा रहा है, परंतु उस समय कृषि और जो है पशुपालन से अपरिचित थे। भाई हिरण खरगोश इत्यादि भेड़ बकरी तो उस समय हो गए थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि हमें इन्हें पालना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो लोग इन्हें का शिकार करते थे, धीरे धीरे वो इस चीज़ से परिचित हो गए। ठीक है, और जब परिचित हो गए तो उन्हें जो जैसे जो हिरण है, खरगोश है, भेड़ बकरी हैं, उन्हें वो पालना शुरू कर दिया था। ठीक है, अगला आपके बीच में है, देखिए नवपाषाण कालीन मानव जीवन की विशेषताएं है ना। अब यहाँ कुछ और भी अस्त्र शस्त्र के रूप में आने चाहिए। इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे जो मध्य पाषाण जैसे पुरा पाषाण काल में कुछ अस्त्र शस्त्र पाए गए, उसी से संबंधित जो है मध्य पाषाण काल में भी कुछ अस्त्र शस्त्र पाएंगे, उसे हम थोड़ा सा ओरल आपको बताने का प्रयास करते हैं। मध्य पाषाण काल के जो औजार थे वो पुरा पाषाण काल की अपेक्षा छोटे हो गए। आपने देखा होगा जैसे जो पुरा पाषाण काल के मानव थे, ठीक है, पुरा पाषाण काल के मानव थे वो अपने औजार को काफ़ी बड़े रूप में बनाते थे। ठीक है, लेकिन चूंकि पूरा पाषाण काल में उन्हें इतनी ज़्यादा कॉमन सेंस नहीं था कि हमें अपने औजार को छोटा बनाना चाहिए और उसी से मुझे काम चलाना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे वही मानव बुद्धिमान हुआ मध्य पाषाण काल में जब वो पहुंचा तो अपने औजार को उन्होंने छोटा किया। और कहा जा रहा है इस काल के ब्लेड पॉइंट जो है ब्लेड हो गए, पॉइंट स्क्रिपर हो गए, ये सारे जो है उपकरण जैसे क्रेंसेंट हो गया नामक पत्थर के उपकरण प्राप्त हुए। और आगे कहा जा रहा है ये उपकरण जेर पर और सारी चीज़ें इसमें जो है जिनमें लकड़ी के हैंडल इत्यादि मिलते थे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इस काल के मानव ने एक जो है एक से दो इंच के छोटे हथियार भी निर्मित कर लिए थे, क्योंकि एक से दो इंच का हथियार निर्मित करना काफ़ी बुद्धिमान मानव के हाथों में होता है, क्योंकि जब पूरा पाषाण काल था तो इतना बुद्धिमान मानव नहीं था कि वो एक से दो इंच का औजार बना सके। क्योंकि आपने देखा होगा कि पूरा पाषाण काल, अभी आप गूगल करिएगा तो उस समय औजार उनके जो होते थे वो काफ़ी बड़े बड़े होते थे। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे इनमें जो है सेंस आना शुरू हुआ वो अपने औजार को छोटा करना शुरू कर दिए। अंत्येष्टि के संस्कार के लिए जो है ये मध्य पाषाण काल के मानव ने मृतकों को दफनाना शुरू कर दिया था। हालांकि जो है पूर्व पाषाण काल में भी ये दफना ही रहे थे, ऐसा नहीं था। ठीक है, लेकिन मध्य पाषाण काल में भी जो है मृतकों को दफनाना शुरू कर दिया था। आगे उत्खनन से प्राप्त अस्थिपंजरों के, जैसे पूरा पाषाण काल में होता क्या था कि वो भोजन इत्यादि को भी इनके साथ रख देते थे, लेकिन नव मध्य पाषाण काल में ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, उत्खनन में प्राप्त अस्थिपंजरों के शीर्ष पर पत्थर के हथियार प्राप्त हुए। इससे प्रतीत होता है कि इस काल के मानव में जो है पारलौकिक भावना का जन्म भी हो गया था। ठीक है, तो ये तो थी मध्य पाषाण काल की कुछ विशेषताएं। अब आगे आपके बीच में है, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं, नव पाषाण कालीन
मानव जीवन की विशेषताएं, नवपाषाण काल के जो मानव हैं उनमें क्या कुछ विशेषताएं पाई जाएंगी, जरा सा विचार करेंगे। देखिए कहा जा रहा है नवपाषाण कालीन मानव की विशेषताएं, है ना। इसके अंतर्गत अगर कहा जाए तो ध्यान दीजिएगा, नवपाषाण कालीन मानव की मानव जीवन की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इसमें पहला कहा जा रहा है हथियारों का विकास। अब इसके अंतर्गत ध्यान दीजिएगा, अगर हम कहें हथियारों के विकास के अंतर्गत अगर कहा जाए तो जरा सा देखने का प्रयास करेंगे। इस समय हथियारों में चमक पॉलिश देखने को मिलते थे, कुल्हाड़े, एड्स पॉलिशर, जो है हैमर हथौड़ा आपका हो गया, स्टोन फैब्रिकेटर, स्किल स्टोन नामक हथियार प्राप्त हुए। इस काल में पहिए, जो है पहिए एवं हंसिए का आविष्कार हो गया था। अब पूछा जा सकता है कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो आप कहेंगे पहिए का आविष्कार जो है वो हमारा मध्य पाषाण काल में हुआ था, ठीक है। आगे यहाँ आविष्कार होने लगा और इसी समय जो है कृषि का आरंभ भी हो गया। अच्छा, हथियारों के विकास के अंतर्गत अगर कहा जाए जो है उपकरणों में सबसे बड़ी यह विशेषता थी, ये जो उपकरण इनके होते थे पहिए एवं हंसिए का प्रयोग होने लगा था। इन उपकरणों की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि यह केवल उपकरण केवल आखेड़ के लिए निर्मित नहीं होते थे, ठीक है, आगे वरन अन्य कार्यों के लिए भी इन्होंने इस जो है इसका आविष्कार किया। पहिए के आविष्कार विभिन्न जगहों पर जाने के लिए इन्होंने किया, जाहिर सी बात है यातायात को बढ़ावा मिला। जब इन्होंने पहिए का अभी जब उस समय तो ये पैदल चल रहे थे, जैसे ही पहिए का आविष्कार किया वो उसी के माध्यम से तमाम बैलगाड़ी इत्यादि को बनाए और उसी से उन्होंने यात्रा करना शुरू कर दिया। अब आगे आ रहा है कृषि का आरंभ, ठीक है। कृषि का आरंभ भी जो है मध्य पाषाण काल से हुआ। आगे कहा जाए नवपाषाण काल की सबसे प्रमुख विशेषताएं, नवपाषाण काल में शिकार के लिए एक स्थान, शिकार के स्थान पर कृषि एक दृष्टि से मानव इतिहास की क्रांति थी। अभी तक जो मानव हुआ करता था वो शिकार करके अपने भोजन को प्राप्त करता था, लेकिन जब कृषि का आरंभ हुआ तो उस समय जो है जो नवपाषाण काल में शिकार के स्थान पर लोग कृषि करने लगे और इस काल में गेहूं, जौ, बाजरा, जो है मक्का, फल, साग, कपास इत्यादि का उत्पादन भी होने लगा, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर और हम कहें आपसे नवपाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि जो थी वो कृषि थी। इसमें जो है इस युग में मानो कृषि का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, ठीक है, क्योंकि भाई जब कृषि वो करते नहीं थे तो उन्हें कृषि का ज्ञान नहीं था। अतः यह कार्य उस युग की सबसे महान क्रांति थी, ठीक है। और भी यहाँ कुछ कथन आ रहे हैं, हालांकि कथन को आप छोड़िए, कथन कभी पूछा नहीं गया है इसलिए हम कथन पर चर्चा भी नहीं करेंगे, ठीक है। अब आगे कहा जा रहा है कि पशुपालन, मैंने आपसे बताया अभी तक जो मानव हुआ करते थे उन्हें पशुओं को पालने का जरा भी शौक नहीं हुआ करता था, लेकिन इस समय के जो मानव हैं, अब इस समय की क्या हम बात कर रहे हैं मध्य पाषाण काल के, ठीक है, तो मानव जो हुआ करते थे वो जो है पशुओं को भी पालने में रुचि लेने लगे। कहा जा रहा है नवपाषाण काल के लोग इस बातों को महसूस किया कि यदि हम पशुओं की हत्या करना बंद कर दें और उनका पालन शुरू कर दें तो उससे अधिक लाभ होगा, इसलिए इन लोगों ने पशुपालन का कार्य शुरू कर दिया। पालतू पशु जैसे गाय, भैंस, बकरी जो है कुत्ता, घोड़ा, बैल इत्यादि को इन्होंने कुत्ता नामक जो है पालतू प्रथम जानवर था भाई, जब इन्होंने कुत्ते को पाला तो सबसे इनका जो है मानव का या कहा जाए कुत्ता मानव का प्रथम पालतू जानवर था। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मध्य पाषाण काल में जो है मानव का प्रथम पालतू जानवर क्या था, तो आप कहेंगे कुत्ता था, ठीक है। तो यहाँ तक की चीज़ें तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे, ठीक है भाई। पशुपालन उन्होंने क्यों शुरू किया, उन्हें कुछ लगा होगा कि पशुपालन, अभी तक वो उसी पशु को मार कर खाते थे, लेकिन जब उन्हें लगा कि नहीं अगर इन्हें हम पालना शुरू करेंगे तो जो हम मार रहे हैं उससे ज़्यादा लाभ मुझे पालने पर है, तो इन्होंने धीरे धीरे पशुओं को पालना शुरू किया और इन्हें लगा कि नहीं इससे मुझे लाभ है, तो धीरे धीरे इन्होंने पशुओं को और तीव्र गति से पालना शुरू कर दिया, ठीक है। तो यहाँ तक की चीज़ें तो हो गई, आगे मिट्टी के बर्तन का निर्माण भी करना इन्होंने शुरू कर दिया है।
देखिए, कहा जा रहा है मिट्टी के बर्तन के निर्माण नवपाषाण काल अथवा नवपाषाण काल के लोगों ने जो है मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर दिए। आगे कहा जा रहा है कृषि एवं पशुपालन का कार्य आरंभ हो जाने के कारण अब इन लोगों में जो है कहा जा रहा है पशु सामान अधिक हो गया था, ठीक है, आगे हो गया था, इसलिए अपने सामान को सुरक्षित रखने के लिए इन लोगों ने मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर दिया था। जाहिर सी बात है, मिट्टी के बर्तन बनाना इन्होंने क्यों शुरू किया आपके दिमाग में आना चाहिए। जैसे कहा जा रहा है नवपाषाण काल के लोगों ने मिट्टी का बर्तन बनाना शुरू कर दिया क्योंकि कृषि एवं पशुपालन कार्य आरंभ हो गया था और इनके पास कुछ सामान थे, ठीक है, वो अधिक हो गए, इसलिए इन्हें लगा कि अब मुझे इन्हें रखने के लिए, इन्हें सुरक्षित रखने के लिए मुझे कुछ बर्तन का निर्माण करना होगा। तो इनके दिमाग में आया होगा कि चलिए हम मिट्टी के ही कुछ बर्तन बनाते हैं, ठीक है, और जो है मिट्टी का बर्तन बनाया और इनके जो सामान थे वो सुरक्षित हो गए। तो उसी समय से मिट्टी के बर्तन का भी निर्माण होने लगा। अभी चाक आविष्कार नहीं हुआ था, ठीक है, मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर दिया, अभी चाक का आविष्कार नहीं हुआ था, अतः बर्तन ये जैसे आपने देखा होगा जो कुम्हार वगैरह होते हैं उन्होंने चौक की वजह सहायता से वो गोल गोल घुमाकर बनाते हैं, ठीक है, लेकिन उस समय तो ये आविष्कार हुआ नहीं था। जैसे छोटे छोटे बच्चों ने देखा होगा, आपके घरों में अगर छोटे बच्चे होंगे तो मिट्टी के बर्तन वो बनाते होंगे कि ये मेरा ये है, ये ऐसा है, इसमें हम ये रखेंगे, तो सेम वही चीज़ें हुआ करते थे। उस समय के जो मनुष्य थे वो अपने हाथों से मिट्टी के बर्तन बनाते थे और आग में उन्हें पका लिए जाते रहे होंगे, ठीक है, हालांकि इसका भी जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन एक संभावना जाहिर की जा रही है कि आग से वो पकाना भी शुरू कर दिए थे मिट्टी के बर्तनों को, ताकि उनका जब भाई आपने देखा होगा आज के समय में जो दीपक वगैरह आते हैं वो पककर आते हैं, है ना। तो यहाँ तक की चीज़ें तो हो गई, मिट्टी का बर्तन उन्होंने बनाना सीख लिया। अब यहाँ वस्त्र का निर्माण, अभी तक आपने देखा कि वस्त्र के निर्माण में उनके द्वारा पेड़ों की छालें पहनी जाती थी, छाल के साथ साथ और भी चीज़ें पहनी जाती थी, पत्तियों की चीज़ वो पहनते थे, लेकिन अब यहाँ से वस्त्र का निर्माण जो है वो शुरू कर दिए हैं। आगे कहा जा रहा है इस काल के लोगों ने जो है पौधों को रेशों तथा उनके धागों को काटना जो है प्रारंभ कर दिया और इन्हें बुनकर वस्त्रों को बनाने लगे। इस समय वस्त्रों का भी रंगना में आ गया कि कताई बुनाई के साथ जो है रंगाई की कला भी का भी विकास हो चुका था, ठीक है, कब जो है मध्य पाषाण काल में, ठीक है। इस समय ये जो वस्त्रों की कताई रंगाई इत्यादि का भी निर्माण उन्हें होने लगा था, ठीक है, और धीरे धीरे इसका निर्माण आगे की तरफ तीव्र गति से होने लगा, ठीक है। अब लास्ट आ रहा है इस टॉपिक का जो है गृह निर्माण, है ना। अगर हम गृह निर्माण की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, गृह निर्माण इस काल में उन्हें लट्ठे जो है घास फूस और मिट्टी की सहायता से घर का निर्माण हुआ जो है, अर्थात झोपड़ी का निर्माण हुआ। यहीं से मनुष्य की वास्तविक रूप से परिवार की इकाई का जन्म हुआ है। अब पूछा जा सकता है कि परिवार की इकाई का निर्माण या जन्म कब से हुआ, तो आप कहेंगे मध्य पाषाण काल से ही हुआ है, क्योंकि इस समय मानव धीरे धीरे जब मध्य पाषाण काल की शुरुआत हुई तो उस समय मानव तो इतना बुद्धिमान था नहीं, लेकिन जैसे जैसे समय हमारा बीतता गया जो ये मनुष्य था वो धीरे धीरे बुद्धिमान होता गया। जैसे पहले के जो मनुष्य थे वो कच्चा मांस खाते थे, धीरे धीरे वो पकाने लगे, फिर उनके दिमाग में आया जो पशुओं का शिकार करते थे उसी पशु को वो पालने लगे और धीरे धीरे उसी पशु से उन्हें कुछ सामान इकट्ठा हुआ। सामान इकट्ठा होने के बाद जो है उनके द्वारा मिट्टी के दिए बनाए गए, मिट्टी के दिए बनाने के बाद उन्हें उसको पकाना आया, यानी धीरे धीरे इनमें जो कॉमन सेंस वाली चीज़ें थी वो बढ़ने लगी और आज के समय के मानव को आप देख पा रहे हैं, ठीक है। हालांकि अभी और चीज़ें इसमें बाकी हैं, थोड़ा सा यहाँ से पिछला कुछ टॉपिक आपके लिए इंटरेस्टेड रहा होगा, आप जानने के लिए लालायित रहे होंगे कि नहीं आगे हमारे लिए और क्या हो सकता है। चलिए अगला आपके बीच में आ रहा है ताम्र एवं कांस्य युग, ठीक है। अब यहाँ ये आपके लिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ठीक है, यहाँ आप इम्पोर्टेंट लगाकर लिख लीजिएगा, ताम्र एवं कांस्य युग एक नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। लिखा जा रहा है इस काल में, ध्यान दीजिएगा यहाँ होना चाहिए था आपका जिस काल, ठीक है,
क्या होना चाहिए था? जिस काल में मानव पत्थर और तांबे के औजारों के साथ साथ जो है प्रयोग किया, इसे ही ताम्र एवं कांस्य युग कहा गया है। ध्यान दीजिएगा, इसमें आप लिख लीजिएगा, जिस काल में मानव ने पत्थर और तांबे के औजारों के साथ साथ औजारों को साथ साथ प्रयोग किया, उसे ताम्रपाषाण काल कहा गया या ताम्रपाषाण युग कहा गया, जो भी आप कह लीजिए, ठीक है। चलिए, यहाँ तक हो गया। आगे कहा जा रहा है युग कहा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, विद्वानों का जो मत है, अगर हम इस ताम्र एवं कांस्य युग के अंतर्गत अगर हम कहें, तो इसमें जो है विद्वानों का जो मत है वो लगभग 5000 जो है ईसा पूर्व इसका प्रयोग हुआ था। बाद में जो है मानव खानों में अयस्क तांबा बनाना सीख लिया, ठीक है। हालांकि ये हम ओरल आपको बता रहे हैं, इन चीज़ों को छोड़ दीजिए, जो है ये नहीं बताएंगे। हालांकि ये चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, जो ताम्र एवं कांस्य युग के अंतर्गत आपने ये टॉपिक लिखा है। अब यहाँ जो है जब पहिए का आविष्कार हो गया, अभी मैंने पहिया का जिक्र कर रहा था, जब पहिए का आविष्कार हो गया, थोड़ा सा इसी के आगे आप लिखिएगा, जब पहिए का आविष्कार हो गया तो पहिए के आविष्कार होने से मानव सभ्यता का जो विकास है और तीव्र हो गया, ठीक है। और जब तीव्र हो गया तो जाहिर सी बात है मानव सभ्यता में जो है कुछ परिवर्तन आए। परिवर्तन क्या आया है? पहिए के आविष्कार से मानव चौक की सहायता से मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर दिए। पहले हुआ करता था, जब मिट्टी के बर्तन वो बनाते थे तो उस समय वो अपने हाथों से जो है इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा बनाने लगे। लेकिन जब पहिए का आविष्कार हुआ तो भाई पहिया आपने देखा होगा, कुम्हार का एक बड़ा सा होता है, इसी बीच में मिट्टी रख लेता है, ठीक है, और इसी बड़े जो पहिया होता है इसी को घुमाता है और यहाँ एक हाथ उसका लगा रहता है, मिट्टी का बर्तन धीरे धीरे बनता हुआ चला जाता है। भाई निर्माणकर्ता वो होते हैं, उन्हें पता है मुझे कैसे बनाना है, लेकिन पहिए के आविष्कार से ये सूटेबल हो पाया, वो हाथों से बनाना बर्तन को छोड़ दिए। आगे दूसरा आता है, पहिए की सहायता से कताई का काम आसान हो गया, जिसमें भविष्य में कपड़ा बनाना बन सका। भाई अगर पहिया नहीं रहा होता तो जाहिर सी बात है ये कताई बुनाई के कार्य नहीं हो पाया होता, चूंकि इन्हें पता नहीं था कि ये गोल गोल चीज़ें अच्छी तरह से चलेंगी, ठीक है। आगे कहा जाए, पहिए ने यात्रा के क्षेत्र में क्रांति ला दी। आज अगर पहिया ना होता तो शायद हम आप पहले की तरह ही जी रहे होते। आज हम कहीं एक जगहों पर यहाँ प्रयागराज से बैठते हैं और एक घंटे के अंदर, दो घंटे के अंदर, तीन घंटे के अंदर हम लखनऊ पहुँच जाते हैं, ठीक है। ये पहिए की ही क्रांति है। कहा जाए उस समय जो मानव हुआ करते थे उनके दिमाग में आया कि पहिए यात्रा क्रांति ला दें, ठीक है। पहिए की सहायता से तेज चलने वाली गाड़ी वो बन सके, जैसे पहिए जिससे यात्रा करना और सामान ढोना उनके लिए आसान हो गया था, ठीक है। तो यहाँ तक की चीज़ें मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई होंगी। आगे यहाँ कृषि में सुधार के बारे में कुछ जानना है आपको। नदियों के किनारे इन सभ्यताओं के विकास होने के क्या कारण थे? जैसे कुछ चीज़ें हैं जो नदियों के कारण इनकी सभ्यता का विकास हुआ। नदियों के किनारे भूमि अधिक नरम एवं उपजाऊ हुआ करती हैं। जाहिर सी बात है आपने देखा होगा, अगर आपका जो खेत वगैरह होगा वो नदी के किनारे होगा तो जब नदियों में बाढ़ आती है तो कुछ मिट्टियाँ वो बहा कर ले आती हैं और आपके खेतों में छोड़ देती हैं। तो जो खेतों में छोड़ देती हैं मिट्टियाँ वो काफ़ी उपजाऊ होती हैं, ठीक है। इसीलिए कहा जा रहा है नदियों के किनारे की भूमि जो है वो अधिक नर्म एवं उपजाऊ होती हैं। आगे उसी के अंतर्गत अगर कहा जाए, यहाँ आप हेडिंग बना लीजिएगा, नदियों के किनारे जो है जो सभ्यताओं का विकास हुआ है उनके क्या कारण थे, ठीक है। ये नदियों के किनारे भी रहना पसंद करते थे क्योंकि इन्हें पानी भी आसानी से मिल जाया करता था और जो वहाँ की जो मिट्टियाँ थी उन्हें खेती करने में भी आसानी होती थी। आगे जल मानव जीवन के लिए आवश्यक था। नदी तट पर जो है बसने से जल का अभाव नहीं रहता था, क्योंकि उस समय तो ये प्रथा था ही नहीं कि चलिए हम बोरिंग करवा लेंगे। आज आपने देखा होगा जहाँ एक जहाँ दो चार दिन के लिए मनुष्य गया, चलिए यहाँ एक बोरिंग करवा ही देते हैं, लेकिन उस समय उन्हें ये नहीं पता था कि हम ज़मीन में पाइप डालकर पानी निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए आगे, नदियाँ जो है नदियाँ प्रारंभ से ही यातायात का माध्यम रही हैं, अतः नदी के किनारे रहने से यातायात की कोई परेशानी नहीं होती थी। आगे, नदियों में समय समय पर बाढ़ आती रहती थी जिससे बंजर भूमि पुनः उपजाऊ बन जाती थी, क्योंकि बाढ़ के पानी से अनेक ऐसे खनिज मिट्टी मिल जाते थे जो भूमि को उपजाऊ बनाते थे, मैंने आपको अभी अभी बताया,
ठीक है। अब कृषि में सुधार, या अगर ये ऊपर वाली चीज़ें मैंने जो आपको ओरल रूप से बताया, अगर ये आप समझ गए होंगी तो शायद ये चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। लेकिन बहरहाल कोई बात नहीं, नहीं समझे हैं तो आप समझने का प्रयास करें, ठीक है। चलिए, कहा जा रहा नदियों के किनारे बसी सभ्यताओं के मानव ने नदियों के किनारे जमीन से जंगल का जो है जमीन से जंगल काटकर खेती करने के योग्य बनाया। मानव ने दलदली के पानी से दलदली स्थानों से पानी निकालने के लिए नालियाँ खोदें। बाढ़ों से बस्तियों को सुरक्षित करने के लिए नदियों पर बांध बनाए। जाहिर सी बात है, आपने देखा होगा प्रारंभ के समय में जो है लकड़ी के हल जो है वो मानो अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा लकड़ी के हल हुआ करते थे, जिससे बैलों से चला करते थे, ठीक है। अच्छा, लेकिन आपने देखा कि इनकी जो भाई नदियों के किनारे ये क्यों बसे, क्योंकि नदियों के किनारे बसने से इनकी जो मिट्टी थी वो उपजाऊ हुआ करती थी, ठीक है। मिट्टी उपजाऊ, जब वो भूमि जो है बंजर हो जाती थी तो वो वहाँ से चल देते थे, कहीं और जाकर बस जाते थे, ठीक है। और इन्हें पानी भी आसानी से मिल जाया करता था, और भी जो इनकी मिट्टियाँ थी वो भी अच्छी खासी बनी रहती थी, ठीक है। तो चलिए, यहाँ तक की चीज़ें काफ़ी हम शॉर्ट कट में आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। अगला आपके बीच में आ रहा है, शासन व्यवस्था का उदय इसी समय से हुआ है ना। हालांकि नगरों का भी उदय हुआ है, लेकिन हम नगरों को छोड़ रहे हैं, हम आ रहे हैं शासन व्यवस्था के उदय पर। देखिए, कहा जा रहा है व्यापार के विकास और नगरों के साथ ही जो है जनजीवन की रक्षा की समस्या उठ खड़ी हुई। अतः लोग किसी निश्चित स्थान निश्चित शासन व्यवस्था को लागू करने का उदय हुआ। राज्य की स्थापना का मुख्य उद्देश्य एक सुचारू शासन व्यवस्था को लागू कर लोगों को जीवन में जो है समाप्ति की रक्षा करना। राज्यों द्वारा निश्चित नियम बनाए गए जिसका पालन करना सबके लिए अनिवार्य था। शासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए शासन एवं योद्धा सैनिक वर्ग का भी जन्म हुआ, ठीक है। तो चलिए, यहाँ तक की चीज़ें तो हो गई, मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। आगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक है लौह युग, जिसे हम आगे अभी आपको बताएंगे। भाषा धर्म एवं कला का विकास भी यहीं से होता है, ध्यान दीजिएगा। कहा जा रहा है लगभग 3000 ईसा पूर्व कांस्य युगीन एक लिपि का आविष्कार हुआ, जिसे जो है किलाकार लिपि कहा जाता है। इस लिपि में 250 से अधिक अक्षर थे। शुरुआत में यह लिपि चित्रों पर आधारित थी, जो बाद में ध्वनि पर आधारित हो गए थे। इस काल के लोग मूर्तिकला के पारंगत थे, मूर्तिकला में पारंगत थे। इन्होंने धातु पाषाण एवं मिट्टी की मूर्तियां बनाई जो उत्खनन से प्राप्त हुई। इसके साथ ही कांस्य युग में मानव सुंदर जो है आभूषणों एवं बर्तनों के भी कुशल कारीगर थे। कांस्य युगीन मानो कला प्रेमी था, ठीक है। हालांकि इसमें बाबू कुछ है नहीं, बस एक ओरल तरीके से आपको बताना है, ठीक है। चलिए, ये टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है, लौह युग, ठीक है। विद्वानों का मत है कि उत्तर भारत में इसका प्रयोग जो है ईसा के लगभग 1000 वर्ष पूर्व हुआ है, ठीक है। ये चीज़ें तो फैक्ट है। विद्वानों का मत है कि उत्तर भारत में इसका प्रयोग जो है ईसा के लगभग 1000 वर्ष पूर्व हुआ है, ठीक है। आगे कहा जा रहा है, यह भी अनुमान लगाया गया है कि लौह काल के लोग जो है पठार और से, यहाँ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आप देखे नहीं होंगे, यहाँ पामीर लिखा गया है, ठीक है। पामीर पठार की ओर से आए थे और धीरे धीरे महाराष्ट्र में बस गए। कालांतर में यह लोग मध्य प्रदेश के वनों को जो है पार कर बंगाल की ओर चले गए। लौह काल से मनुष्य जीवन का वैज्ञानिक विकास प्रारंभ हो गया और इसके जीवन में बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन होने लगे। मनुष्य के जीवन को सुखमय बनाने के लिए और जो है सभ्यता एवं संस्कृति का उन्नति में किसी अन्य धातु से उतनी सहायता नहीं मिलती जितनी लौह युग से मिलती है। अब कुछ परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण फैक्ट आ रहे हैं, इन्हें आप समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, कहा जा रहा है कुत्ता मानव का प्रथम पालतू पशु था। एक नंबर में पूछा जा सकता है कि मानव का प्रथम पालतू पशु क्या था, तो आप कहेंगे कुत्ता था। अगला है, पूरा पाषाण काल के मानव ने आग की खोज कर ली थी। एक नंबर में पूछा जा सकता है कि आग की खोज किस काल में हुई है, तो आप कहेंगे पूरा पाषाण काल में हुई है। नव पाषाण
काल में पहिए के आविष्कार से मानव बर्तन जो है बर्तन घड़े बनाने इत्यादि शुरू करने लगा था। कब से? नवपाषाण काल से। अगला आपके बीच में आ रहा है, नवपाषाण काल में मानव के जो है कृषि करना सीख लिया था। इस काल का मानव पशुपालक भी बन गया था। पूछा जा सकता है कि पशुपालक मानव जो है वो कब बना? तो नवपाषाण काल में बना। आगे कहा जा रहा है कि जो है जब आदि मानव अपनी आवश्यकता की सभी चीज़ें पत्थर की बनाता था, उस काल को हम उषा काल भी कहते थे। ठीक है, तो यहाँ तक की चीज़ें मुझे लगता है कि चैप्टर नंबर जो 2 था वो आज की इस वीडियो से हम फिनिश करते हैं। ठीक है, अगर आपको कहीं भी दिक्कत होगी तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।